8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम भारतीय सिनेमा के पिछले 100 वर्षों को ध्यान से देखें तो इस दौरान देवकी रानी से सारा खान तक बहुत सी शानदार अभिनेत्रियों ने अपनी दमदार एक्टिंग की। लेकिन कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुँचाया। आज हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ना सिर्फ अपने दम पर फिल्में हिट कराई बल्कि भारतीय सिनेमा का चेहरा और मायने भी बदल कर रख दिए। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाता था। जिस दौर में औरतों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था उस वक्त देविका ने सभी परंपराओं को तोड़ते हुए फिल्मी नायिका बनकर समाज के लिए मिसाल बनी। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी देविका रानी को ही जाता है। अछूत कन्या की रिलीज के बाद देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यूं तो उन्होंने कुल 16 फिल्मों में काम किया लेकिन देविका के बिना भारतीय सिनेमा अधूरा है। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मधुबाला ने केवल 66 फिल्मों में ही अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई। लेकिन मधुबाला ने इन सबसे फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। साल 1969 को दिल की एक बीमारी की वजह से महज 36 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्मों की बेहद खूबसूरत अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय सिनेमा ने चाहे एक से एक बढ़कर खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां दी हो लेकिन मधुबाला जैसे दिलकश अभिनेत्री कोई और नहीं है। बात चाहे खूबसूरती की हो या अभिनय की, मधुबाला के मुकाबले आज तक कोई नहीं है। बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी का जादू भारतीय सिनेमा जगत पर 32 वर्षों तक छाया रहा। मीना कुमारी की आंखों में बसे दर्द ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिलाया तो वहीं अभिनय की ऊंचाई के दम पर वो भारतीय फिल्मों की पाकीजा कहलाई। जब जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा तब तब पाकीजा का जिक्र जरूर होगा। फिल्म पाकीजा में राजकुमार साहब, अशोक कुमार और नादिरा का भी योगदान रहा लेकिन एक नाम हमेशा जिंदा रहेगा और वो मीना कुमारी का। हिंदी सिनेमा को आवारा, श्री 420, बरसात, चोरी और मदर इंडिया जैसी एक से एक बढ़कर हिंदी फिल्में देने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में अपना डेब्यू कर लिया था। नरगिस ने इंडस्ट्री में करीब 4 दशक तक काम किया। मदर इंडिया में नरगिस द्वारा निभाया किरदार इतना फेमस हुआ कि फिल्म को ऑस्कर में नामांकन मिला। फिल्म में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला राधा का किरदार निभाया था लेकिन जिस वक्त उन्होंने एक किरदार निभाया था तब वो सिर्फ 28 साल की थी। नरगिस ने अपने हर किरदार को नया आयाम दिया और अपने दम पर फिल्में हिट करवाई। सुजाता, पेइंग गेस्ट, सीमा, बंदनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने वाली एक्ट्रेस नूतन का नाम आज भी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा में लिया जाता है। नूतन ने अपने सिने करियर में काफी गंभीर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया था।